दोस्तों भारत पशुधन ऐप में आप किस तरह AI ऐड कर सकते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सबसे पहले आपको लॉगिन अपना करना पड़ता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे ID और पासवर्ड डाल के आपको नीचे इसको लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको लॉगिन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि AI हम इस पर कैसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो एनिमल मैनेजमेंट है इसको ओपन करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। और सेकंड वाले को जब ओपन करते तो उसमें हम वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और फर्स्ट एड का कर सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में हमें काम करना है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नीचे भी तीन ऑप्शन है लेकिन फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि इस पे ही बात करेंगे आज। तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस जो आएगा, इसमें आपको अपना टैग नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे चलिए हम टैग नंबर इस पे ले लेते हैं कुछ, जैसे कि ये किसी ऑनर का टैग नंबर है तो हम इस पे टैग नंबर ये दे देंगे। तो जैसे हम इसमें टैग नंबर अभी फिल कर रहे हैं, इस तरह ही आपको टैग नंबर इसमें देना पड़ेगा। तो जैसे हमने टैग दे दिया, देखिए हमारे 12 डिजिट का था तो 12 डिजिट का हमने दे दिया। उसके बाद हम इसे नीचे प्रोसीड है, प्रोसीड करेंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड आता तो उसके बाद ये ऑनर की डिटेल कुछ आ जाती है। अब हमें AI अपलोड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑनर का आइकन दिख रहा है, यहाँ इंफॉर्मेशन दिख रही है तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ऐसा हमारे टैग जो आ जाएगा, टैग को एक बार टैप करना पड़ेगा हमें। जैसे टैप करेंगे इस पर ओके हो जाएगा और नीचे वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है। AI ऐड, जो ऐड AI है उस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा कुछ ही इंटरफेस आपके सामने गाइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है डेट एंट्री डेटा वो आपका चेंज नहीं होगा। सेकंड AI जो डेट है वो आपकी चेंज होगी। जैसे कि हम इसमें अभी देखो आपके पास ये ऑप्शंस इसमें कुछ आ रहे हैं, ये आपको फिल करने हैं सारे। तो उससे सबसे पहले आपको AI जो डेट है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो AI डेट चलिए आज की जैसे है, तो मतलब आज की जो भी आपकी AI है जहाँ पिछली है आप वो डेट इसमें डाल सकते हैं। आपको डेट इसमें कंफर्म करनी है अच्छी तरह की, जो डेट सही है वो डाली आपने। उसके बाद आपके पास देखिए सेकंड ऑप्शन जो आपको फिल करना पड़ेगा इसमें वो करना पड़ेगा बुल ID। तो बुल ID जैसे ही आपकी आपने जो भी सिमन यूज़ किया हो तो उसकी एक बुल ID होती है, तो बुल ID वो आप ले सकते हैं। तो उससे आप ऐसे ये फिल कर सकते हैं, देखिए ये हमारे इस जो सिमन यूज़ किया उसकी ये बुल ID थी। तो दोस्तों उसके बाद जो ऑप्शन हमने भरना होता वो होता है सिमन टाइप का। तो सिमन टाइप को जैसे हम ओके करेंगे, इसमें दो सिमन है, सेक्स सॉर्टेड और कन्वेंशनल। फिलहाल तो हमें कन्वेंशनली ही करना है, लेकिन अगर आपका सेक्स सॉर्टेड आप यूज़ करते हो तो सेक्स सॉर्टेड आपको करना है। उसके बाद जैसे ही कर दोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा रिव्यू एंड सबमिट, आपको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसी डिटेल दिखाएगा आपको। तो जैसे ऐसी डिटेल दिखाएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट दोस्तों कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये दिखा देगा आपकी ट्रांजैक्शन ये ID है तो आपका वो सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कोई भी ऑनर होगा उसके टैग यूज़ करके आप उसकी डिटेल AI कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह दिखा दिया आपको कि आप किस तरह है आप अपलोड AI इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिल रही हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो हम आपको उसमें बताने की पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को लाइक करके।